कांग्रेस सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है। सरकार में ना रहने पर कांग्रेस की हालत जलबिन मछली जैसी हो जाती है, इसलिए वो सरकार में आने के बाद देश को समाज को भी दांव पर लगाने से नहीं हिचकती। आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे कांग्रेस हमारे समाज में जाति का जहर फैलाने पर उतर आई है। जो लोग चांदी नहीं सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी फाइव स्टार लाइफ जीते आ रहे हैं, वो गरीब को जाति के नाम पर लड़वाना चाहते हैं। हमारे दलित पिछड़े आदिवासी समाज को भूलना नहीं है। ये कांग्रेस है जिसने दलितों पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया है। ये कांग्रेस है जिसने उन्हें इतने दशकों तक रोटी पानी मकान से वंचित रखा। ये वो लोग हैं जो 100 साल बाद भी सत्ता मिलने पर कभी किसी दलित पिछड़े आदिवासी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। सच्चाई ये है कि कांग्रेस का परिवार दलितों पिछड़ों आदिवासियों इनसे नफरत करता है, उनसे चिढ़ता है। इसलिए आज जब दलित पिछड़े आदिवासी शीर्ष स्थान पर जा रहे हैं तो इनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। हरियाणा भी इन्होंने दलितों को ओबीसी को भागीदारी देने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को भी अपमानित किया। कांग्रेस के शाही परिवार ने तो डंके की चोट पर कहा कि वो आरक्षण खत्म कर देंगे। दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर कांग्रेस अपने वोट बैंक में देना चाहती थी। हरियाणा भी वो यही करने जा रही थी।